हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है तानिया फैशन आर्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपिका कुशवाहा आज आपको छोटे साइज में ट्रैवल बैग बनाना बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से। तो देखो, मैंने पीस को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने देखो सिलाइयाँ लगा ली हैं और बीच में मैंने रबर सीट का यूज़ किया है और दो पीस मैंने तैयार किए हैं। पीछे की साइड मैंने पुराना कपड़ा यूज़ किया है इसमें। तो आपको इसकी अब मैं लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी कितनी ली है मैंने, और वीडियो को आप पूरा देखें कैसे मैंने ये बैग बनाया है। तो और देखो, बहुत सिंपल तरीका मैं बताती हूँ आपको बनाने का। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई बताऊँगी। तो इसकी लंबाई है 11 इंची की। अब मैं इसकी चौड़ाई आपको नाप के बता रही हूँ, चौड़ाई कितनी है, 14 इंची की चौड़ाई है इसकी। तो एक पीस हमें ले लेना है, एक पीस को लेके हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। पहले फोल्ड करने के बाद किसी भी साइड से, दोनों साइड से भी आप किसी भी साइड से निशान लगा सकते हो। 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ मैं। तो देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसमें हमें गोलाई की शेप देनी है, तो शेप हमें इस तरीके से दे लेनी है इसमें, तो जैसे मैंने दी है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये देखो, कटिंग मैं कर रही हूँ। कटिंग मैंने एक पीस की कर ली है, देखो उस तरीके से गोलाई आई है इसकी। खोल के आपको पीस को दिखाती हूँ। अब दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर रख के सेम तरीके से कटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखो, दोनों पीसों की हमने कटिंग कर ली है। अब एक पीस मैंने ले लिया है, यहाँ पे हमें निशान लगाना है बीच में। इसमें हम पॉकेट डालेंगे, तो पहले हम निशान लगा लेंगे 3 इंची पे। तो ये देखो, इस निशान को हमें बिल्कुल अब सीधा कर देना है। अब मैंने पलट लिया है पीस को, दोनों साइड पर निशान को छपा लूँगी। तो ये देखो, बिल्कुल सीधा निशान हमारा इस तरीके से लग जाएगा। तो निशान मैंने लगा लिया है, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें हमें चेन अटैच करनी है, तो इसी के बराबर की मैं चेन ले लूँगी। तो ये देखो, इसके बराबर की मैंने चेन कटिंग कर ली है। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे अब एक पीस पे। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो दूसरा पीस कटिंग किया था इसमें से, उसको अटैच करेंगे इस तरीके से। बीच में हम पीस को रखेंगे, दोनों साइड पर चेन देखो बराबर छोड़नी है हमें। अब यहाँ पर रख के हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगाएंगे इस पर टॉप सिलाई। तो ये देखो, टॉप सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो मैंने ये टॉप सिलाई लगा ली है। अब इसमें रनर डाल लेंगे हम। तो रनर को मैंने डाल लिया है। अब इसमें हमें पहले तनी अटैच करनी है। तो तनी भी मैंने इसकी तैयार कर ली थी। इसमें भी मैंने रबर सीट का यूज़ किया है। 1 इंची की चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ तनी की। तो लंबाई है इसकी 40 इंची की। अब ये लगानी कैसे है, ये देखो इस तरीके से हमें रखना है। पहले हम निशान लगा लेंगे कितनी दूरी पे हमें तनी अटैच करनी है। तो यहाँ पर निशान लगा रही हूँ मैं 4 इंची पे। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है 4 इंची की दूरी पर। दोनों साइड पर हमें 4-4 इंची की दूरी पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। निशान रख पट्टियाँ मैंने रख ली हैं तनी। और यहाँ पे हम तनी पे देखो सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं, कहाँ तक मैंने अटैच की हैं तनी। जो चेन लगाई थी मैंने वहाँ तक ही अटैच की हैं। तो इस वाले दूसरे वाले पीस पे भी मैंने सेम तरीके से निशान लगा के तनी को अटैच कर लिया है। अब लगाना है पॉकेट के लिए कपड़ा। तो मैंने कपड़ा ले लिया है पॉकेट के लिए। चारों ओर से सिलाई लगा देंगे अब हम। तो ये देखो, चारों ओर से सिलाई लगा दी है और जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था उसकी मैंने कटिंग कर दी है। अब मैंने दूसरा पीस ले लिया है। दूसरे पीस को हमें इस तरीके से ले लेना है और उसके लिए मैंने पॉकेट के लिए कपड़ा ले लिया है। इसमें हम चेन का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, किनारी बनी हुई थी। तो तीनों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये देखो, हमें पहले चेन वाले हिस्से से यहाँ पर हमें, यहाँ से हमें नापना है ऊपर वाले पीस के बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं नाप रही हूँ। तो 15 इंची की इसकी लंबाई है। अब इसकी मैंने एक साइड तैयार कर ली थी।
अब इसकी मैं आपको लंबाई बताती हूँ कितनी है। 15 इंची की लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 5.5 इंची की। अब इसको हमें बीच में से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे बीच में से। तो ये देखो बीच में से मैंने कटिंग कर ली है। इसी के बराबर की हमें चैन ले लेनी है। तो चैन को मैंने ले लिया है। अब सिलाई लगाऊंगी मैं चैन पे। तो ये देखो चैन को मैंने इसमें सिल लिया है। अब लगाएंगे हम टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस को भी मैं सेम तरीके से अटैच कर लूँगी। तो ये देखो टॉप सिलाई लगा के मैंने पीस को रेडी कर लिया है। अब इसमें हम रनर डालेंगे। तो रनर मैंने डाल लिए हैं। अब इसकी मैंने एक और साइड बनाई थी, तैयार कर ली थी, इसमें भी मैंने रबर सीट का यूज़ किया है। इसकी भी चौड़ाई है 5.5 इंची की। अब मैं आपको लंबाई बताऊँगी, लंबाई कितनी है इसकी। 29 इंची की लंबाई है इसकी। अब इस पीस को हमें इसमें इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पर देखो हम सीधी एक सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें टॉप सिलाई। तो ये देखो मैं टॉप सिलाई लगा रही हूँ। टॉप सिलाई मैंने लगा ली है। अब दूसरे पीस को भी हमें सेम तरीके से अटैच कर लेना है। तो सिलाई लगा ली है, टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब ये देखो दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। अब ये बीच वाले सेंटर पर निशान लगा लेंगे चौक से। तो देखो बीच में मैं निशान लगा लिया है। और एक पीस और लेंगे हम, ये बैग वाला पीस ले लिया है मैंने। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हम बीच में निशान लगा लेंगे। तो निशान मैंने लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से देखो मिलाना है। और कॉर्नर से देखो इस तरीके से निशान मिला के अब इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो देखो मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने ये साइड इसमें अटैच की थी। अगर आपका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बैठ रहा है तो आप हल्की हल्की चुन्नटें भी डाल सकते हैं उसमें। अगर ज़रा सा भी आपका 1/2 इंची का एक्स्ट्रा बैठ रहा है तो कहीं कहीं दे सकते हो चुन्नटें। अब दूसरे पीस को भी मैं अटैच करूँगी। तो ऐसे ही निशान लगा लूँगी बीच में सेंटर लगा के। देखो इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है, बीच में निशान लगा लिया है मैंने। अब इस पर तो मेरा निशान लगा हुआ था, इसको देखो इस तरीके से मिलाना है। अब हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखो इस तरीके से कॉर्नर पकड़ लिया है। दूसरा भी मैंने जहाँ से निशान लगाया था, अब इस तरीके से दूसरे वाले पीस पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी। तो ये सिलाई हमें देखो लगा दी है। आपको दोनों साइड से मैं सिलाई दिखा दे रही हूँ। देखो तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है दोनों साइड पर। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाऊँगी। सीधा मैंने कर लिया है, बाहर वाली पॉकेट में आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छी पॉकेट है, बड़ी भी है इसमें पॉकेट, नीचे की साइड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। बहुत अच्छा साइज़ बना है, 2 जोड़ी कपड़े आराम से आ जाएंगे इसमें। कमेंट करके बताना आपको ये छोटे साइज़ का ट्रैवल बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।